श्री गुरु चरण कमलेभ्य नमः। समस्त विद्वान समाज भक्तमंडली मातृशक्ति सबाई के जाना हमार हार्दिक अभिवादन। सबको मेरा हार्दिक अभिवादन है। जगन्नाथ जी के बारे में आप सब सुन रहे थे, भगवान जगन्नाथ जिसके बारे में हम बोल रहे थे, कदाचित कालिंदी तटो, कालिंदी कोलिंद नंदिनी तट पर, कोलिंद सूर्य का एक नाम है और सूर्य के कन्या वो कालिंदी है, माने यमुना जी है। यमुना जी के तट पर जो बंसी का वादन करते हैं, मुरली मधुरम, सोचिए वेणुर मधुरा रेणुर मधुरा, जिनके वाणी में जिनके चलने में चलनं मधुरम बलनं मधुरम मधुराधि पते अखिलम मधुरम मधुराधि पते अखिलम मधुरम। कदाचित कालिंदी तटो विपिन संगीत तरलो, जिसके मुरली के गान से, मुरली बजाने से यमुना बहुत उजान, यमुना उल्टा बहने लगती है, वृक्ष धीरे 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 चलने लगता है, जो अचल प्राणी है उसमें चलने की ताकत आती है, कोयल बोल नहीं पाते आवाज नहीं निकालता, इतनी मधुरिमा है। सारे गुंजन सारे स्पंदन यमुना का कलनाद कलनाद आदि सभी स्तब्ध हो जाता है। पहले रंध्र का जब स्वर निकलता है तो कहते हैं, प्रथम रंध्रे गाने ब्रह्मभार भांगिए धैने, पहला छेद से जब भगवान बंसी को बजाते हैं तो ब्रह्मा जी का ध्यान भंग होता है, कहाँ से इतना मधुर शब्द आता है। शिव जी तो स्वयं कैलाश छोड़ करके भाग के वृंदावन में आए, जहाँ रास मंच है उसमें प्रवेश करने की कोशिश करने लगे, एक तो उनको तो प्रवेश करने का मौका नहीं मिला, गोपियों ने कहा नहीं, यहाँ कृष्ण के बिना कोई पुरुष प्रवेश नहीं कर सकता। तो महादेव यमुना जी में डुबके प्राण देने के लिए चले गए कि यमुना जी में डुबकी लगाएंगे और वहाँ समाधि लगा के प्राण छोड़ देंगे। बहुत दुखी हुए, आँखों से विरह आंसू बह रहा था, मन बहुत दुखी हो रहा था, मुरली वदन का दर्शन नहीं होगा, बंशी वदन मुरली मनोहर कृष्ण का मधुर रूप का दर्शन नहीं होगा, हाय मेरा जीवन व्यर्थ हो गया। तो मुरली मनोहर कृष्ण को दर्शन किए बिना मेरा जीवन तो बेकार है। और वो गए तो यमुना जी के तट पर एक योग माया के रूप में एक माता मिली, योग माया स्वयं वहाँ एक माता के रूप में थी। तो बोले, आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। बोले बोलिए। बोले आप इतने आपके मुखमंडल में इतना दुख क्यों है, अब तो कैलाशपति महादेव है, अब ध्यान मग्न अपने ध्यान में आनंद में रहते हैं, अब तो आनंद स्वरूप है, आनंद ही आपका जीवन है, हिमालय के उच्च शिखर पर जो बर्फ के ऊपर ध्यान समाधि में लीन रहते हैं उनको दुख कभी स्पर्श नहीं कर सकता, तो आप फिर इतने आपके मुखमंडल में इतनी उदासी क्यों छाया हुआ है। बोले देवी बोलो मत, मैं यमुना जी में प्राण त्यागना चाहता हूँ। प्राण त्यागना चाहते हैं, ये तो बड़ी दुख की बात है, आप जैसे शिव शंकर कैलाशपति भोला महेश्वर ये तो उचित नहीं है, क्यों आप प्राण छोड़ना चाहते हैं। बोले हमारा प्राण छोड़ने का मतलब यह है कि देखो हम कैलाश में तो बैठे थे चुपचाप, लेकिन
ऐसे मुरली का गान हमारे कान में प्रवेश किया, हम व्याकुल होकर के भाग के आए, ध्यान समाधि छोड़ करके स्वर्गलोक ब्रह्मलोक आदि सब पार करते हुए भूलोक में आए, जहाँ रास मंच है, हमें वहाँ प्रवेश नहीं मिला। बंशी वदन का दर्शन किए बिना मेरा जीवन तो बेकार हो गया, इसलिए देवी हम इस जीवन को त्याग देना चाहते हैं, हमें कुछ संसारिक और कोई वस्तु नहीं चाहिए, हमें दर्शन नहीं मिला। बोले ये दुख है, तो ये दुख का समाधान आप, हम इसका निदान, इसका उपाय कर देते हैं। बोले आप? बोले हाँ मैं कर देता हूँ। आप ऐसा करिए, जमुना जल में उतरिए। बोले अच्छा उतर गया, बोलो। बोले आप जय राधे कह के डुबकी लगाओ। जय राधे कह के डूब लगा, डुबकी लगा दिया, तो जमुना से जो निकले एक परम सुंदर शुभ्र गोपी, श्वेत गोपी, एकदम सफेद, परम सुंदरी, नवयौवना परमारूपसी, ज्योतिर्मयी, आलोक मंडिता, अपूर्व सुख सुंदर, माधुर्य घन सज्जिता, एक दिव्य ललना, जमुना जी से उठ के आए, सारे शरीर दिव्य अलंकारों से सुसज्जित, एक मरम मनोरम दिव्य ललना निकाल के आए। बोले आप? बोले क्या? बोले आप जाओ, रास मंच में कोई नहीं रोकेगा, तुम वो रूप में नहीं हो, अभी तुम गोपी बन गए हो, राधा रानी के दासी बन गए, चलो। बोले धन्य देवी आप, धन्य देवी, अदृश्य हो गए। और महादेव समझ गए, अच्छा अच्छा मेरे साथ ये सब चला के हो रहा था, चलो कोई बात नहीं, रास मंच में गए। तो ये जो रास मंच है, ये जो धीर समीर है, ये जो जमुना पुलिन है, वहाँ पर जो मुरली गान, जिसका मुरली गान, मुरली का धुन, मुरली का मधुर शब्द जहाँ ध्वनित होता है, उस मधुर शब्द से वहाँ के आकाश बाताश वृक्ष लता पशु पक्षी सब आनंदित होकर के ध्यान मग्न हो जाते हैं। ऐसे जो आनंद रसराज ब्रज के कृष्ण, जहाँ मुदाभिरिनारी बदन कमल स्वाद मधुपो, ब्रज गोपियों की सुंदरताओं में घिरे हुए मुरली तान के द्वारा सारे प्रकृति के सारे छंद को स्तब्ध किए हुए वो आनंद रसराज भगवान प्रकृति में प्राण का संचार करते हैं मुरली गान के द्वारा। जिसका प्राण कृष्ण में समर्पित है, उसके कान में मुरली का तान प्रवेश करता है, और वो हा राधे हा कृष्ण कहते कहते रास मंच में पहुंच जाता है। जब महारास होता है, उस महारास मंच में तीन प्रकार के गोपियाँ सम्मिलित होती है। एक साधन सिद्धा गोपियाँ, जिन्होंने बहुत साधना किया, भगवान के लिए बहुत रोए, गुरु के दिए हुए मंत्र का साधना दिवा रात्र करते रहे, ऐसे कुछ भक्त होते हैं। एक तो ये है, दूसरा है नित्य सिद्धा, जो भगवान के साथ नित्य लीला में सम्मिलित है, राधा रानी उनकी सखियाँ, उनके सखियाँ, ये शाखा के रूप में जुथेश्वरी के धारा में चलाता है। देखिए वृंदावन एक प्रेम का राज्य है, जहाँ कोई कामना नहीं, कोई वासना नहीं, जहाँ राम तहाँ नहीं काम, जहाँ काम तहाँ नहीं राम, रवि रजनी दोनों ना रहे कोठाम, ये दोनों एक साथ रहता नहीं है, रह नहीं सकता। जैसे अंधेरा और प्रकाश, जहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ प्रकाश फैला हुआ है, तभी तो कैमरा इसको कैच कर पा रहा है, और कैच करने का उसका शक्ति है। यदि यहाँ अंधेरा हो जाए तो कैमरा इसको आपके पास पहुँचा नहीं सकता। इसलिए जहाँ काम तहाँ नहीं राम, जहाँ अंधेरा है वहाँ प्रकाश नहीं, जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधेरा नहीं। तो इसी तरह ये जो संसार है, जहाँ पर हम आए हुए हैं, ये संसार भी इसी प्रकार का है। तो इस संसार में जीव को वृंदावन में जाके जुथेश्वरी के आदेश के अनुसार